हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज हम बात करेंगे पाइन वुड की। पाइन वुड को हम ऐसी जगह लगाते हैं जहां पर के हमें डेकोरेट करना होता है, हमारी जिस वॉल को या हमें जिस एरिया को डेकोरेट करना होता है वहां हम पाइन वुड को यूज करते हैं। पाइन वुड देखने में बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये जो आप देख रहे हैं इस पे हमने एक कोट डाल दिया है पीयू का। कोट डालने के बाद अब इसकी सैंडिंग और बफिंग करेंगे और फिर इसका आउटपुट निकल के आएगा, फाइनल आउटपुट। तो इसमें जो चमक देख रहे हैं एक कोट की चमक है, मटेरियल की चमक है। इसमें जो मटेरियल हमने लगाया वो एक बहुत ही अच्छे रेपुटेटेड ब्रांड का लगाया। आप भी अगर यूज़ करें तो एक अच्छे ब्रांड का ही यूज़ करें ताकि अच्छी आउटपुट आपको मिले। पाइन वुड एक्चुअली सॉफ्ट होता है और इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। तो अगर आप कारपेंटर से कभी बात करते हैं तो कारपेंटर डेकोरेट करने के लिए या पैनलिंग के लिए, तो वो आपको सजेस्ट पाइन वुड कर सकते हैं, ज़्यादातर करते हैं। बल्कि वो इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करते हैं कि वो बहुत अच्छी और टिकाऊ लकड़ी है, बल्कि इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आया, कि उनको उसके ऊपर काम करना बड़ा आसान रहता है क्योंकि ये हल्की वुड होती है। इसको कैरी करना, उठाना, शिफ्ट करना आसान होता है और इस पे जो रंदा है वो बहुत अच्छे से लग जाता है क्योंकि एक सॉफ्ट वुड होती है। इसे ये बहुत ठोस नहीं रहती है, लॉन्ग लाइफ भी नहीं रहती है। और इसमें जो मैं आपको बताऊं कि इसमें दीमक भी बहुत जल्दी से लगती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने जैसे ही इस पे पेंट का कोट डाला है ये बहुत स्मूथ हो गया। ये तो खैर पेंट की क्वालिटी है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो दीमक है वो बहुत जल्दी लगती है, यानी कीड़ा बहुत जल्दी से पकड़ लेती है ये लकड़ी। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं रहती है, लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं चलती है ये। अगर आपको कुछ कार्विंग वार्विंग का काम करवाना है या डिज़ाइनर कुछ एलिमेंट बनवाना है तो इसके ऊपर ना बनाएं, क्योंकि इसमें अगर कीड़ा लगेगा तो ये ख़राब हो जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया ये बहुत हल्की वुड होती है और इसका सॉफ्ट रहती है, इसमें जल्दी से कीड़ा लगता है। तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है, बजट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अच्छी वुड यूज़ कर सकते हैं, तो आप अच्छी वुड यूज़ कीजिए, पाइन वुड यूज़ मत कीजिए। अगर आपको पाइन वुड का लुक चाहिए तो आप बोर्ड पर डिज़ाइन बना के उसके ऊपर वीनियर लगा सकते हैं, उसके जो कॉर्नर्स हैं उसमें कलम बना सकते हैं, कलम बनाकर लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर, और सुंदर है भी। पाइन वुड देखने में बहुत सुंदर लगता है लेकिन इसकी वही प्रॉब्लम है, डेंसिटी जैसे मैंने बताया कम है और लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है, तो जल्दी ख़राब होने का इसका खतरा रहता है और फिर आपका जो पैसा है चाहे वो कम लगाओ या ज़्यादा लगाओ वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, इस साइड पर हमने पी यू पेंट किया। पी यू पेंट अपने आप में बहुत महंगा पेंट है, अगर आप इतना महंगा पेंट लगवा रहे हैं तो आप वुड भी अच्छे लगवाइए। पाइन वुड के ऊपर भी हो जाता है जैसे हमने यहाँ किया, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है देखने में, लेकिन अगर इसमें कीड़ा लग गया तो ये ख़राब हो जाएगी और सारा आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको लगानी है तो अच्छी वुड लगाएं, कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट बनाएं, सारी वुड में सारे डिज़ाइन लगभग बन जाते हैं अच्छी वुड में। आप कार्विंग कराएं, नॉर्मल मॉडर्न फर्नीचर बनवाएं, कैसा भी बनवाएं, लेकिन वो नॉर्मल और ठोस वुड में बनवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।